अस्सलाम वालेकुम। इस पिक्चर में हमें तीन चीज़ें दिए हुए हैं, क्यूब्स दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया हुआ है। तो हम बॉल की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक इक्वेशन है जिसमें दो बॉल है और एक प्लस एक डब्ल्यू है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो वीडियो को स्टॉप करो और अपना आंसर जो है ना कमेंट्स में लिख दो। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसके लिए हम पहले इक्वेशन नंबर वन में जाते हैं। इक्वेशन नंबर वन में हमें पता है 0 + 2 + 4 = आंसर आता है 6। तो इसके बाद हम इस 6 को इक्वेशन नंबर 3 में लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में 6 लगाते हैं तो फिर 6 + 6 = 12। तो W की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12। तो अब W की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में लगाते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में 3 बॉल है और W की वैल्यू 12 आ गई। तो इस तरह हम 12 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 4। तो बॉल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। इक्वेशन नंबर 5 में अगर देखें तो बॉल की वैल्यू हम 4 लगाएंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम बॉल की वैल्यू लगाते हैं 4। तो बन जाता है 4 + 6 + 4 = 14। तो इसका आंसर आता है 14। बॉल की वैल्यू रिक्वायर थी वो 4 आती है और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू भी हमसे रिक्वायर थी तो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू आती है 14। ऐसे इक्वेशन अपने बच्चों को दे दिया करें और बच्चों से इक्वेशन हल करवाएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों के दिमाग तेज़ होते हैं और ये इनके लिए अच्छा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन भी दबाओ ताकि आपको नए नए इक्वेशन इस तरह नोटिफिकेशन में मिले।